आपके अंतिम संस्कार के बाद क्या होगा? कुछ घंटों बाद ही रोने की आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी। थोड़ी देर बाद आपका परिवार आपके रिश्तेदारों के लिए खाना बनाने में जुट जाएगा। कुछ लोग रात को सोने से पहले चाय की दुकान पर टहलने के लिए निकल जाएंगे। आपका कोई रिश्तेदार आपके बेटे या बेटी से बात कर रहा होगा कि आपात स्थिति के कारण व्यक्तिगत रूप से आ नहीं पा रहे। और तो और, इधर आपका मृत शरीर चिता पर जल रहा होगा और आपको अंतिम विदाई देने आए कुछ लोगों में से कोई फोन पर बतिया रहा होगा, तो कोई फेसबुक या व्हाट्सएप पर बिजी होगा, तो कोई दूर खड़ा झुंड बनाए व्यवसाय घर परिवार जैसे विषयों पर चर्चा कर रहा होगा। अगले दिन रात को खाने के बाद कुछ रिश्तेदार कम हो जाएंगे और कुछ खाने में पर्याप्त नमक ना होने की शिकायत कर रहे होंगे। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगेगी। आपका कार्यालय आपकी दुकान किसी और को देने के लिए जल्द से जल्द ढूंढा जाएगा। महीने के आखिर तक आपका जीवन साथी कोई कॉमेडी शो देखकर हंसने लगेगा। सबका जीवन सामान्य हो जाएगा और इस दुनिया से आश्चर्यजनक गति से आपको भुला दिया जाएगा। इसी बीच आपकी पुण्य तिथि बड़े भव्य तरीके से मनाई जाएगी। पलक झपकते ही साल बीत गया, आपको याद करने वाला कोई नहीं है। बस एक दिन आपका कोई बेहद करीबी आपकी पुरानी तस्वीर देखकर आपको याद कर सकता है। लोग आपको भूलने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप किस दौड़ में हैं? किसके लिए चिंतित हैं? आप थे तब भी ये दुनिया थी, आप चले जाओगे तब भी ये दुनिया रहेगी। आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वर्तमान में रहे, जीवन का आनंद ले। हरे कृष्ण।